देखो जब भी आप M24 को यूज करते हो ना, तो वहां पे मिली सेकंड से ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आप अपने फ्रेंड के साथ टीडीएम में, क्लासिक में, कहीं भी M24 का यूज करते हो, तो वहां पे मिली सेकंड को अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो आपका जो पलड़ा है ना वो हमेशा भारी रहेगा। ठीक है, वैसे तो M24 चलाने के लिए ना डिवाइस होना चाहिए तगड़ा, ठीक है, बट जायरो या फिर नॉन जायरो दोनों बंदों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉन जायरो जो एक लो एंड डिवाइस वाला बंदा होता है ना, जायरो डिले होता है, उसके लिए मैं एक बेटर चीज बताने वाला हूँ M24 चलाने के लिए। और जायरो एंड नॉन जायरो वालों बंदों के लिए ना मैं एंड में एक बोनस टिप देने वाला हूँ, जो कि आपकी एक्यूरेसी को ना काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि आपकी मिली सेकंड है ना M24 चलाने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो M24 की मैं नहीं बोल, कोई भी AR गन हो, कोई भी स्नाइपर गन यूज करते हो, तो भाई इस गेम में ना आपको एक्यूरेसी मैटर करती है। जो स्टेप एनिमी करने वाला ना, वो आप एनिमी से पहले कर लेते हो, तो वहां पे आपके जीतने के चांसेस ना बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपने एनिमी से पहले टाइमिंग का यूज किया और आप उससे पहले वो एक्शन कर रहे हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है जब बंदा कवर से बाहर निकल के मारता ना, उससे एक सेकंड पहले आप अगर मारने लग जाओगे ना, तो वहां पे आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर एनिमी आपसे पहले फायर करना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे आप पक्का मरने वाले हो। ठीक है, सपोज करो सामने बंदा है और आपने ना उसके निकलने से पहले आधा मिली सेकंड पहले ऐसे फायर किया कि वो जैसे निकला वो वैसे ही मर गया। ठीक है, तो टाइमिंग वैसे मैटर करती है। ठीक है, अगर आप टाइमिंग के हिसाब से चलोगे, जैसे सामने वाला बंदा निकलने वाला है, आपने उससे आधा मिली सेकंड उससे पहले फायर किया, वो बंदा वहां पे मर जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप भी M24 मार देते हो, सामने वाला भी मार देता है, तो आप मर जाते हो। ठीक है, आपने भी उसको शॉट दिया लेकिन वो नहीं मरता, आप लोग सोचते हो भाई मैंने भी तो उसको मारा है, ये क्यों नहीं मर रहा। ठीक है, तो वो वही चीज है भाई, टाइमिंग मैटर करती है। अगर उसने आपको पहले शॉट दिया ना, तो आप ही मरने वाले हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइमिंग मैटर करती है। और दूसरा भाई, अगर सामने वाले बंदे के हेड पे शॉट लग जाता ना, तो वो बंदा तो खत्म है। ठीक है, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी गलती जो चलाते वक्त बंदे करते हैं ना, वो ये कि वो हमेशा ना अपनी बॉडी को पूरा पूरा एक्सपोज करके सामने वाले बंदे के आप सामने जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। देखो, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे कवर से निकल के मतलब एक मिली सेकंड के लिए बाहर जाना है, मार के आना है, शॉट कनेक्ट हुआ तो ठीक है, वरना दूसरा ट्राई करो। ठीक है, दूसरा पक्का लग जाएगा। अभी देखो, ऐसा करने के लिए ना आपको एक ड्रिल की जरूरत पड़ेगी, जो कि ड्रिल आप ये कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में आता हूँ। अगर आप बहुत टाइम से खेल रहे हो ना, तो आपको पता होगा पिक एंड स्कोप को ना हमेशा बंद रखना है, ओनली पिक इनेबल रखना, ताकि आप पिक्सल पिक का यूज कर सको। ठीक है, अगर आप M24 से पिक्सल पिक का यूज करके बंदों को मारोगे ना विदाउट स्कोप, ठीक है, ओनली क्रोसर से आपको एम करना। देखो, ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड में आना और ऐसे शॉट देने हैं। अभी ये शॉट तो भाई ओनली पीक था। ठीक है, अभी देखना, थोड़ा सा जॉयस्टिक को बाहर खींचो और अंदर आओ, बाहर खींचो और अंदर आओ। चीज अगर आप करोगे ना, मिली सेकंड्स आपकी बच जाएगी भाई। अगर आप ओपन में जाओगे ना, पूरा पूरा बॉडी रिवील करोगे, तो आपके लग जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपकी सेंसी है ना, बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी सेंसी ठीक नहीं है ना, तो आप कभी भी M24 में क्लोज रेंज में तो भाई कतई भूल जाओ। ठीक है, अपनी सेंसी को हमेशा सेट रखो। अगर आपको अपनी तगड़ी सेंसिटिविटी नहीं मिली ना, तो मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है और मैंने बता रखा है कि लो एंड डिवाइस और हाई एंड डिवाइस वालों को सेंसी किसकी कॉपी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही तगड़ी वीडियो है, आपको सेंसी नहीं दे रहा हूं, बट अगर आप इसको देखोगे ना, सेंसिटिविटी का पूरा पूरा मैटर समझ जाओगे भाई हमेशा के लिए। आप सेंसिटिविटी से मतलब कभी वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम स्नाइपर की बात कर ही रहे हैं ना, तो आप हमेशा दो गलती हमेशा करते हो भाई, टीडीएम या फिर क्लासिक हो, M24 या फिर कोई भी आप स्नाइपर यूज कर रहे हो, तो हमेशा ये गलती करते ही करते हो। आपको कभी भी है ना M24 या फिर कोई भी स्नाइपर यूज करते टाइम ना स्लाइडिंग का यूज नहीं करना है। तो टीडीएम में तो भाई AR के साथ भी स्लाइडिंग का यूज मत करो। अगर आपको कॉम्पी में जाना है, अगर गेमिंग में कुछ उखाड़ना है ना, फिर वैसे नल्ले की तरह खेलना है तो खेल सकते हो। अगर आप गेमिंग में कुछ उखाड़ना चाहते हो, कुछ तगड़ा करना वाले हो, M24 मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स में जाने वाले हो, ठीक है, तो हमेशा स्लाइडिंग को बंद रखो और दिमाग में एक चीज हमेशा के लिए बैठा लो, कभी भी स्लाइडिंग है ना क्लासिक में नहीं आने वाली और कभी भी क्लासिक में यूज भी नहीं होती। ठीक है, तो भाई भूल जाओ भाई, स्लाइडिंग मत यूज किया करो, ये एक नूब बंदे के काम होते हैं। तो अगर आपको लेजिट बनना है, तगड़ा खेलना है, प्रो बनना है, तो भाई छोड़ दो स्लाइडिंग को, ठीक है, भूल जाओ। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट भाई, अगर आप मतलब M24 या फिर कोई भी स्नाइपर यूज मिड रेंज में करते हो, क्लोज रेंज में करते हो, वो कभी भी ना 6x 8x या फिर कोई भी 4x वगैरह यूज नहीं करते। बंदे कूल बनने के लिए ना 4x का यूज करते हैं। ठीक है, देखो अगर आप स्नाइपर यूज करते हो कोई भी M24 या फिर कोई भी, ठीक है, तो आपको हमेशा ना रेड डॉट का यूज करना है। अगर आप रेड डॉट का यूज करोगे ना, तो बाकी स्कोप के बजाय रेड डॉट ना कुछ मिली सेकंड्स लेता है भाई ओपन होने के लिए, बाकी स्कोप तो कुछ ज्यादा ही लेते हैं। अगर सपोज करो सामने कोई पेड़ है, उसके पीछे एक बंदा, आप ओपन में हो, ठीक है, दोनों साइड आपको ध्यान रखना भाई, दोनों साइड में से कोई भी साइड से बंदा निकल के मार सकता है, तो भाई वहां पे है ना काफी टाइम लगेगा आपको मूव होने के लिए, अपने जायरो को घुमाना पड़ेगा। और जो बंदे जायरो नहीं खेलते उनके लिए तो और भी ज्यादा हार्ड है। ठीक है, अगर आप इसकी बजाय रेड डॉट का यूज करोगे ना इसकी जगह, ठीक है, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पे कुछ ही मिली सेकंड्स का खेल होता है और आपके पास ना सिर्फ एक मौका होता है। अगर आप वहां पे हार जाते हो ना, मिस कर जाते हो शॉट को, तो खत्म हो समझो। ठीक है, अगर आप रेड डॉट का यूज करते हो ना, तो रेड डॉट का यूज अगर आप करोगे तो आपको मूव करना बहुत ही इजी होगा। अगर आप मतलब जायरो डिले भी है ना आपका, तो भी आपके लिए इजी रहेगा और कहीं भी एंगल में ना शॉट लेने के लिए बहुत ही इजी रहता है। बड़ा स्कोप मतलब बड़ा बड़ा मतलब समझ रहे हो ना, बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। और अगर रेड डॉट यूज करोगे तो भाई इजी मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, अभी देखना बोनस टिप आपको बता दूंगा, उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना। उससे पहले एक पॉइंट और बाकी है, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आईपैड और आईफोन वाले बंदे हैं ना, जिनके पास 90 FPS होता है, उनके पास हमेशा एडवांटेज रहता है। अगर वो अंधेपन में मतलब उनकी आंखें भी चली जाएगी ना, तो भी फायर करेंगे, तो भी कहीं ना कहीं मतलब 90% शॉट
आपकी उनकी कनेक्ट ही होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका एम असिस्ट है ना और भी ज्यादा तगड़ा मैटर करता है, ठीक है। जो एक लो एंड डिवाइस वाला बंदा होता है उसको तगड़ा मतलब इतना कुछ मिलता नहीं है, वो हमेशा ही भाई दर्द में जीता है, जैसे मैं जी रहा था, हमेशा ग्राइंड ही करना पड़ता है, स्किल सेट बनाना ही पड़ता है। तो एक लो एंड डिवाइस वाले बंदे के लिए मैं एक टिप दे रहा हूँ, देखो अगर आपका जायरो डिले है ना, अगर आप जायरो डिले पे M24 चलाना चाहते हो तो अंगूठे का यूज करना, ठीक है। देखो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, बिल्कुल जायरो पे डिपेंड रहते हैं, जैसे मैं अपना एम अगर स्विच कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल घुमा रहा हूँ ना, जायरो से घुमा रहा हूँ, क्योंकि स्मूथ चलता है बिल्कुल हाई एंड डिवाइस में, ठीक है। अगर आप एक लो एंड डिवाइस बंदे हो और आप सोच रहे हो भाई मैं M24 बिल्कुल चलाऊंगा, क्रोशियर को मूव ऑन करूंगा बिल्कुल सामने वाले बंदे के ऊपर, तो मैं जायरो से ही करूंगा, वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लो एंड डिवाइस वाले बंदे की मूवमेंट कतई टट्टी होती है, वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जो डिवाइस है ना उसको प्रोसेसर है ना वो कतई टट्टी है भाई, ठीक है, वो बिल्कुल भी मूवमेंट देगा ही नहीं, बिल्कुल भी फास्ट जीपीयू रेंडरिंग नहीं करेगा, तो वो बहुत ही गलत चीज है। तो उसके लिए आपको हमेशा हाई एंड सेंसिटिविटी पे खेलना है और कभी भी अपने जायरो पे डिपेंड मत रहो। जैसे पीछे से सपोज करो अचानक से बंदा आ गया सरप्राइजली, तो अगर आपको उसको शॉट देना ना तो आपके पास एक ही मौका है, तो आपको अंगूठे से कर लेना भाई, ठीक है, अंगूठे से बिल्कुल फास्ट मूवमेंट करना सीख जाओ, बिल्कुल फास्टली, ठीक है, मतलब मूव करना सीखो अंगूठे से, जो भी बंदा जायरो डिले खेलता है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, अब मैं तुम लोगों की मुंह की बात छीन लेता हूँ, बहुत सारे बंदे आई शॉट के लिए बोलना चाह रहे हैं भाई आई शॉट कैसे मारे क्या खेले, ठीक है, तो आई शॉट के लिए ना कुछ नियम है, आई शॉट बहुत ही रेयर चांस आप यूज कर पाओगे, क्योंकि आई शॉट के लिए ना भाई मतलब समझो कि अगर आप तुक्का मतलब एक्यूरेसी 0% तुक्का 10% चलता है उसमें, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ सीरियस 1v1 ले रहे हो ना और आप सोच रहे हो भाई मैं M24 के 1v1 में उसको मतलब आई शॉट से मार दूंगा कूल बन जाऊंगा, तो बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, वहीं पे गू निकल जाएगा, क्योंकि जो आई शॉट है ना वहाँ एक्यूरेसी बिल्कुल जीरो होती है, मतलब तुक्का चलता है 10%, अगर आप तुक्के से लग गए ना वो आई शॉट तो मतलब कहा। तो देखो तुक्के से मेरा मतलब ये नहीं कि आपका जो शॉट है वो कनेक्ट नहीं होगा, आप शॉट तो कनेक्ट कर लोगे लेकिन वो डिले होता है, क्योंकि आप उसमें मूव करते हो पीछे, फिर मतलब आई से थोड़ा पीछे देखते हो, फिर जंप करते हो और फिर फायर करते हो, ठीक है, और फिर आई बटन को छोड़ते हो, तब जाके शॉट निकलता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले बंदा सामने वाला भाई आपकी पेटी चमका के दूसरी पेटी लूट रहा होगा, ठीक है, तो ये नहीं है, आई शॉट रहने दो। और क्लासिक में तो भूल के भी यूज मत करना, क्योंकि क्लासिक में एक ही चांस होता है वो गया तो अगला मैच ही आएगा, ठीक है। बाकी बोनस टिप की बात करूं इस वाली वीडियो में, तो बोनस टिप यही है, आपको अपने M24 के शॉट्स को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना, 99% अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, लो एंड डिवाइस हो चाहे हाई एंड डिवाइस हो, तो हमेशा एम असिस्ट ऑफ करके M24 चलानी है। अपने फ्रेंड के साथ फाइट लो, 1v1 करो, 1v4 खेलो, मतलब सामने चार बंदे ले लो, अपने फ्रेंड्स को बोलो M24 खेलते हैं, कतई ग्राइंड कर लो M24 को, अगर आपको M24 करना ही है तो, ठीक है, M24 मतलब मजा आता भाई वैसे खेलने में, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो में बिल्कुल कुछ भी मतलब कतई टट्टी सीखने को मिला हो ना, वीडियो को लाइक कर देना भाई, बाकी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।